सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। भोजपुरी श्रोता गण के अक्षरा सिंह की तरफ से प्रणाम और छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा को अब चंद दिन ही बच गए हैं, जिसको लेकर पोखर एवं तालाबों की सफाई जोरों पर है। लेकिन मुजफ्फरपुर के कालीबाड़ी रोड स्थित तीन पोखरिया घाट पर इस साल नहीं हो पाएगा छठ पूजा। वजह स्थानीय जनप्रतिनिधि की उदासीनता बताया जा रहा है। नगर निकाय निकटतम प्रत्याशी संघ के अध्यक्ष सुधीर ठाकुर ने स्थानीय वार्ड पार्षद पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड पार्षद चुनावी समर शुरू हो जाने के कारण लोगों के बीच में साड़ी कपड़ा बांटने में व्यस्त है। उन्हें इसकी चिंता नहीं है कि तीन पोखरिया छठ घाट की सफाई कैसे हो। पिछले 50 साल से ज्यादा समय से इस तीन पोखरिया घाट पर छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ देते आ रहे हैं, लेकिन इस साल छठ व्रती यहां छठ पूजा नहीं कर पाएंगे। कहीं न कहीं यह लोगों के आस्था के साथ स्थानीय वार्ड 41 की पार्षद द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है। वर्षों से तीन पोखरिया घाट पर छठ पूजा होता आ रहा है, लेकिन जो अभी जो स्थिति दिख रही है ऐसा नहीं लग रहा है कि छठ पूजा हो पाएगा, क्या कहेंगे? ये 50 साल से छठ पूजा तीन पोखरिया पर होती आ रहा है, लेकिन इस बार जो है छठ पूजा होना हमको लग रहा है कि संभव नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि खामोश है और चुनाव के जो है गतिविधि में वो लोग सम्मिलित है। लेकिन अभी कैसे छठ पूजा हो इस पर कोई ध्यान उस पर नहीं है। अभी भीषण जल जमाव पूरे मुजफ्फरपुर वासी झेल चुके हैं, अभी भी जल जमाव आपको तीन पोखरिया वाला रास्ता में जो है और उसको जो है कोई निवारा नहीं किया गया, निपटारा नहीं किया गया है। अभी आपको जो है अगल बगल के जितने भी जगह देखिए जल जमाव और जल कुंभी है, अब इसका जो है निपटारा कौन करेगा? तो हम लोग नगर निगम से मांग करते हैं कि इसका तुरंत निपटारा करें, क्योंकि जल जमाव दूर नहीं होगा तो छठ पूजा होना मुश्किल है इस बार। यही हम लोग मांग कर रहे हैं और जिलाधिकारी महोदय से भी मांग कर रहे हैं कि अपने स्तर से जाकर वहाँ देखे, काहे कि इस बार जो है पोखर पर फिर से आपको जो है छठ पूजा हो, यही हम लोग मांग करते हैं। वही स्थानीय सेवादार अविनाश कुमार ने बताया कि आस्था पर भी राजनीति हो रही है। स्थानीय वार्ड 41 की पार्षद एवं निकटतम प्रत्याशी संघ की उदासीनता से वार्ड नरक में तब्दील हो गया है। एक और वार्ड पार्षद सीमा झा लोगों के घर घर साड़ी कपड़ा बांटने में लगी है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि छठ पूजा होगा तो फिर होगा कहा। पूजा को लेकर कुछ दिन ही बच गए हैं, लेकिन तीन पोखरिया पे जो स्थिति देख रही है सफाई की, ऐसा नहीं लग पा रहा है कि इस बार छठ पूजा हो पाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, यह जो छठ पूजा है यह तमाम हिंदुस्तान वासियों के लिए एक महापर्व है, खासकर बिहार वासियों के लिए तो यह बहुत बड़ा ही महापर्व है। और जहाँ तक हमारे इस वार्ड नंबर 41 के अंदर में वार्ड 41 और वार्ड 42 के एक आस्था का पर्व चिन्हित स्थान तीन पोखरिया है, जिसमें सौंदर्यीकरण के नाम पर आज जिस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार का खेल चल रहा है, जिसके वजह से छठ पूजा नहीं हो पा रही है। इसके वजह से जो आपका सवाल है कि छठ पूजा कैसे होगी, लगता नहीं कि हो पाएगी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह छठ मैया का पूजन है और छठ मैया का जो पूजन होता है इसमें हर असंभव चीज़ का भी हम भक्तों को तलाश रहती है, जो हम लोगों को परिपूर्ण होता है और उसको लेकर हम लोग छठ पूजा करते हैं। इसलिए यह छठ घाट का जो कार्य है यहाँ पर वह भी पूर्ण होगा। वह अलग बात है कि हमारे वार्ड नंबर 41 में छठ घाट को लेकर के बड़ी बड़ी राजनीति चल रही है, चाहे वो वर्तमान पार्षद महोदया के माध्यम से चल रहा हो, चाहे वो निकटतम प्रत्याशी संघ के माध्यम से चल रहा हो, या सिर्फ और सिर्फ राजनीति का खेल चल रहा है, जिसको लेकर हम यह माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय नगर आयुक्त महोदय से भी हम कई बार मांग कर चुके हैं कि यहाँ पर अविलंब कृत्रिम घाटों का निर्माण किया जाए, जिसको लेकर वार्ड 41 के अगल बगल में बहुत बड़ा बड़ा स्थल है, जैसे टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, महंत सुखदेव दास, इन सब जैसे ऐसे मैदान हैं जिस मैदान में कृत्रिम घाट का निर्माण अगर हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ वार्ड नंबर 41 के छठव्रतियों को नहीं, बल्कि वार्ड 38, वार्ड 46, वार्ड 42, इन तमाम जगहों के छठव्रतियों के लिए एक कृत्रिम पोखर के रूप में वहाँ सुसज्जित ढंग से छठ पर्व किया जा सकता है। इसी मांग को लेकर के हम लोगों ने कई बार ज्ञापन भी दिया है और आज आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि इस वार्ड की जो दुर्दशा है वो सिर्फ इसलिए है कि चूंकि इसमें जितने भी काम हुए हैं पिछले 10-15 सालों में, उन तमाम नालों का निर्माण सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले के अंदर में ही
पानी बहाने का रास्ता रहने के कारण आज ये सारी समस्याएं हो रही हैं। खासकर ये जो सोगरा स्टेट का मैदान देख रहे हैं, जिसमें एक इतनी बड़ी पोखर का निर्माण हो सकता था, जिसमें कम से कम 1000 से ऊपर छठव्रती यहाँ पर छठ कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य है कि इसमें चारों तरफ का नाला का पानी आने के कारण आज यह जल जमाव से त्रस्त है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, हमारे पार्षद महोदया भले ही छठ व्रतियों को खुश करने में, अपनी वोट की राजनीति करने में वो जो भी बांट रही हैं, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। चाहे वो हमारे निकटतम प्रत्याशी संघ के ही कोई हो, जो कि आज मौन अवस्था में बैठे हुए, पिछले 5 सालों तक उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर वो कुछ बोले होते तो आज यह गत शायद इस वार्ड का नहीं हुआ होता। इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ तमाम मोहल्लेवासियों से कि आप कोरोना को भी देखना है और छठ के इस महापर्व को भी पवित्रतम ढंग से मनाना है। इसलिए अपने अपने छतों पर इस पर्व को मनाएं और जहां सुविधाजनक हो सकता है वहां पर कृत्रिम घाट अपने फंड से, अपने योगदान से, उसमें जहां तक हो सकता है हमसे भी आप मदद ले सकते हैं। हम तन मन धन के साथ छठ पूजा को लेकर के कृत्रिम घाट बनाने में अपना तत्परता के साथ आगे आए हुए हैं। साई सेवादार अविनाश कुमार, वार्ड नंबर 41। नहीं है, हमारे वार्ड पार्षद जो हैं विजय झा, इसका देख रेख भी लोग नहीं करते हैं। 15 साल हो गया, नहीं कोई देख रेख हमारे वार्ड का नहीं हो रहा है। 41 नंबर वार्ड का आज तक हम लोग जैसे हैं तैसे ही पड़े हुए हैं। कोई अब घाट कर कहीं पूजा करने के लिए साधन नहीं है कि हम लोग कहीं पूजा करने जाएंगे। हम बताइए, 3 पोखरिया पर करते थे, अब 3 पोखरिया वाला भरा हुआ है, गड्ढा हुआ, एकदम गंदगी फैला हुआ है। वहाँ आई कोरोना काल के लेके वहाँ भी जाना ठीक नहीं है, इसलिए हम लोग अपने घर में करेंगे, कहाँ करेंगे। वार्ड पार्षद कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज तो ना कोई देखते हैं कि हाँ क्या मजबूरी है इस वार्ड का, बहुत सा मजबूरी में लोग जी रहा है सर। यहाँ हम लोग कहाँ कहें, इसमें बहुत कुछ है कहना। अब वार्ड पार्षद कुछ ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग को वार्ड पार्षद अब सही नहीं है। अब हम लोग का चुनाव होगा तो उसके बाद में इसको चेंजिंग होगा, क्योंकि इनसे कोई काम नहीं लाभ हो रहा है हमको। अब देखिए, अब ये छठ पूजा सामान तो बटा रहा है, ये अपना नाम कमाने के लिए जो है नारियल साड़ी साया सब बांट रही है अपना नाम कमाने के लिए, लेकिन छठ पूजा होगा कहाँ इसका ध्यान वार्ड पार्षद को नहीं है। ये सब सफाई होना चाहिए, ऐसा सफाई नहीं हो रहा है। अब देखिए कि छठ पर हम लोग कहाँ करेंगे, खाली नारियल ऐसी सामान बांटने से नहीं हो जाएगा। छठ घाट होना चाहिए ना, जहाँ के बैठ के लोग पूजा करें। ये सब के लिए तो कोई तत्परता नहीं है यहाँ। ये सब ओम प्रकाश प्रसाद, वार्ड नंबर 41। बहरहाल देखना है कि वार्ड 41 की इस राजनीति में आस्था भारी पड़ती है या राजनीति। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राहुल रंजन की रिपोर्ट।